हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ETS चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यूजर परमिशन देंगे और किस तरह से आप यूजर परमिशन देने के बाद में आप परमिशन को मैनेज करेंगे, कि रोल कैसे असाइन करेंगे कि आपने जिसको परमिशन दी है वो क्या रोल कर सकता है आपके अमेजन सेलर सेंट्रल पर। आज इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करेंगे, सारे रोल्स डिफाइन करेंगे। बेसिकली इसमें चार तरह के रोल होते हैं, एक नन होता है, एक व्यू होता है, व्यू एंड एडिट होता है, दूसरा और चौथा होता है एडमिन। ठीक है, तो इन चारों रोलों पर हम बात करेंगे कि कौन क्या कर सकता है आपके, अगर आपने कोई भी परमिशन सेट करी है तो। और ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले भाई छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता ही रहे और हमें भी आपका एक मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं डैशबोर्ड पे हूँ, अमेजन के सेलर सेंटर के डैशबोर्ड पे हूँ। और मुझे क्या करना है, टॉप राइट कॉर्नर में जो आप सेटिंग का बटन दिख रहा है उस पर आप कर्सर लेके जाएंगे, और कर्सर जैसे ही लेके जाएंगे आप नीचे यूजर परमिशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यूजर परमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जिसको परमिशन देनी है उसका यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप उसका नाम डालेंगे। लेट सपोज मान लीजिए मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। ठीक है, ये कोई भी परमिशन, कोई प्रॉपर आईडी नहीं है, प्रॉपर नेम नहीं है, जस्ट मैं आपको टेस्टिंग करके बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इनविटेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप यूजर परमिशन देंगे। ठीक है, अब जैसे ही वो यूजर परमिशन आपकी एक्सेप्ट करेगा उसके बाद में आप उसको रोल डिफाइन करेंगे कि कौन किसको क्या रोल देना है। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आती है, क्योंकि आपको एक आप अपना जो मेन ये है उसको तो आप एडमिन रखेंगे ही रखेंगे, बाकी जिसको आपने परमिशन दी है एटलीस्ट आपको उसका रोल डिफाइन करना पड़ेगा ताकि आपके सेलर में आपके अकॉर्डिंग ही वो काम कर पाए। ठीक है, अगर आपने उसको एज ए एडमिन रोल दे दिया तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ से आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। और यही सब देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि किसको क्या रोल देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं रोल की तरफ। मैनेज परमिशन, मैनेज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने मैनेज परमिशन पर क्लिक किया और आपको स्टार्टिंग में ही आपको चार रोल दिखाई दे रहे होंगे, एक नन वाला, व्यू वाला, व्यू एडिट और एडमिन वाला। एडमिन के पास सारी अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी कर सकता है जैसे कि हम सभी लोग पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ पे सेक्शन वाइज अलग अलग रोल डिफाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले है इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री को लेके जैसे फुलफिलमेंट प्रोग्राम है, इन्वेंट्री प्लानिंग है, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस है, और मैनेज इन्वेंट्री या एड प्रोडक्ट है, और सेलर फुलफिल्ड प्राइम परफॉर्मेंस है, अपलोड एंड मैनेज वीडियो है। ठीक है, और दूसरा है अपलोड इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये इतनी सारे इन्वेंट्री में ऑप्शन होते हैं, इनमें आपको किसको क्या देना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, व्यू का देना है या फिर एडमिन का देना है या व्यू और एडिट का देना है। ठीक है, इन सब का यहाँ पर रोल असाइन कर सकते हो। तो आपको जितना आप जिसको जितना परमिशन जिसको आप परमिशन दे रहे हैं उसके ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है प्राइसिंग को लेके। प्राइसिंग में आपको एडिट कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम है। ऑटोमेटेड प्राइसिंग को सेट करना है उसके लिए, या फिर प्राइसिंग के लिए सेट करना है, प्राइसिंग हेल्थ के लिए सेट करना है, यानी तीन कॉलम होते हैं प्राइसिंग के। तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग परमिशन सेट कर दोगे। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो ए प्लस कंटेंट मैनेजर है, कूपन्स हैं, डील्स है, ईयरली रिव्यूअर प्रोग्राम है, प्रमोशंस हैं, रजिस्टर फॉर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है,
यानी इन सब के लिए आप यहां से परमिशन सेट कर सकते हो। अभी तो यहां पे एज ए एडमिन सेट है। तो दोस्तों नीचे यहां पे हम बात करते हैं अदर्स की, तो अदर्स में आपको मैनेज ऑर्डर मिल जाएगा, मैनेज रिफंड मिल जाएगा, मैनेज रिटर्न्स मिल जाएगा और मैनेज सेफ्टी क्लेम और ट्रांजेक्शन, यानी इन सब की अथॉरिटी आपको किस तरह से सेट करनी है यहाँ पर आप ईजिली कर सकते हैं। एडमिन को व्यू और एडिट तीनों की अथॉरिटी, दोनों की अथॉरिटी होती है और आपको जिसको परमिशन देना है आपको उसको सिर्फ व्यू कराना है या फिर नन कराना है यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। नीचे स्टोरेज डिजाइन, स्टोरेज डिजाइन का है, स्टोरेज बिल्डर का है और योर इन्फो एंड पॉलिसी से है, इन सब के लिए भी आप उसके लिए रोल डिफाइन कर सकते हो। और नीचे है रिपोर्ट्स, यानी वो रिपोर्ट्स पे किस तरह से रिस्पोंड करेगा आप जिसको परमिशन, जिसको आपने न्यू यूजर असाइन किया है उसके लिए यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस हैं। उसमें आपका अमेजन सेलिंग कोच है, बिजनेस रिपोर्ट सेल समरी है, कस्टम रिपोर्ट है, कस्टमर मैट्रिक्स है, फीडबैक है, ऑपरेशंस रिपोर्ट है, ए टू जेड गारंटी क्लेम है, पेमेंट है, यानी इन सब की वो परमिशन यहाँ से आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। नीचे सेटिंग है और सेटिंग में आपको ये क्लियरली देख लेना कौन से गिफ्ट कूपन्स हैं, फीचर्स है, टैक्स सेटिंग है, मैनेज क्वोटेशन है ना, मैसेज एक्सेस है और सेलर कॉन्फ़िगरेशन है, सेलर बैंक अकाउंट है, शिपिंग सेटिंग है, यानी बहुत सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो जब भी आप यूजर असाइन कर रहे हो, एज ए परमिशन यूजर को दे रहे हो, तो बहुत ही केयरफुली आपको ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी और अच्छे से उसको मैनेज करना पड़ेगा। और भी ऑप्शन है यहाँ पर आपके नीचे, मीडिया अपलोड है, ठीक है। मीडिया अपलोड में इनमें इमेजेज अपलोडिंग का प्रोसेस आ जाता है, बाकी आप यहाँ पर नीचे देख लेना, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने यूजर्स को परमिशन असाइन करोगे, ठीक है। परफॉर्मेंस में अगर देखोगे तो अपील्स है, KPI टूल बार है, यानी जो टूल्स होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क जो आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सारी परमिशंस आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यानी एज ए एडमिन आप उसको असाइन कर सकते हो कि कौन सी परमिशन किसको क्या देनी है उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो से ही आप अपने पूरे सेलर सेंट्रल को कंट्रोल करने वाले हैं और आपको अपनी पूरी सेल्स पर फोकस करने वाले हैं, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी जिसको आपने परमिशन दी है वो कोई आपके अकाउंट में कोई मिस्टेक ना कर पाए, कोई 420 ना कर पाए, तो उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए ये सारी परमिशन सेट करनी है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप अपनी बिजनेस का ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर और लाइक जो भी आपको बेटर लगे आप कीजिए। थैंक यू दोस्तों।